हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म आलू का पराठा। तो चलिए बनाते हैं। पहले लेंगे हम आलू 6 से 7 यानी आधा किलो, और उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब बॉईल होने के लिए 15 मिनट लगते हैं। तो अभी मैं जब तक गूंद लेती हूँ आटा। आटा मैंने लिए हूँ गेहूँ का 2 कटोरी। तो इसमें पहले डालेंगे हम 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच अजवाइन। अब नमक और अजवाइन को हिलाते हुए मिक्स करते हुए हम उसमें डालेंगे पानी। पानी धीरे धीरे करते हुए हमें आटा गूंदना है इस तरह से। जब आटा पूरी तरह से मिक्स हो जाए और उसका डव अच्छी तरह से बन जाए, तो इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल। तेल की मालिश हल्के हाथों से कर लेंगे और इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो अब ये हो चुका है, अब इसे ढक के रख देंगे। प्लेट या आप कपड़ा कुछ भी इस पर ढक सकते हो। तो यहाँ पे ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये आलू हमारे पक चुके हैं, इसे छील लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए पहले हम आलू को थोड़ा मसालों के साथ पका लेंगे। तो इसीलिए हम एक कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच तेल, और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई। और ये दोनों को पकने के बाद इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा डालो। और 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। अब इन सबको तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसके बाद डालेंगे हम कटे हुए आलू। आलू को डालने के बाद इसे थोड़ा चम्मच से हिला लेंगे, फिर इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पूरी तरह से मैश कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे आलू जो है वो रेडी है। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो अब हम पहले रख देंगे तवा गर्म होने के लिए धीमी आंच पे, और तब तक बना लेंगे हम पेड़ा आटे का। तो ये जो मैंने आटा रखा था, अब इसे वापस से हम थोड़ा सा तेल डाल के इसे हल्के हाथों से मालिश कर लेंगे। अब लेंगे हम मीडियम साइज का एक पेड़ा, जितने हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम इतना। और अब इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। आप इसमें डाल देंगे आलू। आलू जो है ज्यादा लेना है, जितना हमने आटा लिया था उससे थोड़ा और ज्यादा आलू रहना चाहिए उसमें। इस तरह से गोल घुमाते हुए इसे सारा एक जगह पे लाना है और इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। और जो बचा हुआ आटा है वो हम ऊपर से चाहे तो इसे निकाल देंगे अगर ज़्यादा हो रहा हो तो, और इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे फैलाएंगे रोटी को, फिर उसके बाद हम इसे बेलेंगे। इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथों से बेलते रहना है घुमाते हुए, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। तो अब ये हो चुका है, इतना साइज हमें इसका रखना है। तवा जो गर्म हो चुका है, अब इस पर डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल, और फिर डालेंगे इस पर पराठा। दोनों साइड तेल लगाते हुए इसे सेकेंगे, अच्छी तरह से इसे सेकना है। तो अब ये मेरा आलू का पराठा बनके रेडी है। तो ये मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।